আপনাকে দিলেন প্রশ্নটা বারবার দেখায় এই সময় একটা চাকি এই যে পিছু উঠে দিলেন মেরে খেয়াল কি এই একটা বহুত পুরানি হল ये इतने यादें होती थी ऐसा पुराना सा एक अंडर सा छोटा सा प्लॉट था छोटा सा भगजी का मकान था लेकिन जोतराम जी का आशीर्वाद हुआ बाबा की कृपा हुई उस कृपा के कारण ही उनको समुद्धि जोतराम जी ने दी ऐसे मेहनती व्यक्ति है कि अपना मंडी में बोझ ढोके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं लेकिन सच्ची लगन के साथ सच्ची श्रद्धा के साथ 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 में वो एक नेक कार्य कर रहे हैं आप जैसे मेरे जैसे जो दुखी लोग आते हैं सारा दिन मंडी में बोझ ढोने के बाद इस मंदिर में बैठकर लोगों के लिए सेवा करते हैं लोगों के लिए पूजा देते हैं भगत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ ऐसे महान व्यक्ति बड़े ही मुश्किल से पाते हैं बाबा जोतराम जी महाराज ऐसे ही लोगों को ऐसे ही भक्तों को चुनता है बोला जोतराम जी उसमें तो है जो भक्ति के लायक है तो अगर भक्ति हमारे भक्ति के लायक है जोतराम जी ढूंढते कि ये मेरा बच्चा लोभ लालच नहीं करेगा ये मेरा बच्चा लोगों की सेवा करेगा ये मेरा बच्चा दीन दुखी के अंदर फर्क नहीं करेगा उस बीच में भेदभाव नहीं करेगा ये मेरा बच्चा अपना सुख त्याग कर लोगों के लिए अपनी नींद त्याग कर रात को मेरी पूजा देगा ऐसे लोगों को जोतराम जी चुनते हैं तो हम भगत जी के आभारी हैं कि उन्होंने इस पार्टी को याद किया एक बार फिर से तालियां बजाओ भगत जी के लिए और सुनते हैं नरेंद्रनाथ महाराज के श्री चरणों में ओ दर्शन दर्शन निरंजन दर्शन दर्शन